अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक मीठी डिश। आज हम बनाएंगे मावे से दमके सेवियाँ। दमके सेवियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम रख लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के देसी घी। घी डालकर अब हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं तो काजू थे मैंने वही लिए, काजू और थोड़ी ब्लैक वाली किशमिश। अब ये दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा रंग बदलने तक। अब हमारे काजू और किशमिश तल के तैयार हो चुके हैं फ्राई होके। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब वही पैन के अंदर और 1 चम्मच घी डालकर जो बारीक वाले सेवियाँ आते हैं उसे आपको ज़्यादा नहीं तोड़ना है। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इस तरह तोड़कर अब हम इसे अच्छे से लो फ्लेम में रखकर इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है घी के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना प्यारा कलर आया है ना, सुनहरा कलर आया है ना। अब हम इसमें 1 गिलास जितना गरम पानी ऐड करेंगे। जितना हमें सेवियाँ को लगेगा उतना ही हम इसमें हॉट वाटर ऐड करके इसमें हम 2 मिनट तक का दम पे रख लेंगे और 2 इलायची को अच्छे से कूट कर हम डाल देंगे। देखिए अब हमारे सेवियाँ दम होकर तैयार हो चुके हैं ना। देखिए फ्रेंड, एक सेविंग को नहीं लग रही है कितना अलग अलग हमारे सेवियाँ तैयार हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के शक्कर। शक्कर डालकर अब हम इसे थोड़ा और मिक्स करेंगे। अब मैं इसे फिर 2 मिनट के लिए दम पे रखूंगी फ्रेंड्स, ताकि हमारी शक्कर अच्छे से घुल कर हमारे सेवियाँ को लगे मिठास की। देखिए अब मैं फिर इसे 2 मिनट के लिए दम पे रखी थी फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे मावा खोया डालेंगे। अब हम देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे सेवियाँ का। अब हम इसमें मावा 1 कटोरी लेंगे। अब मावे को थोड़ा थोड़ा इस तरह खुला करके हम इसे डाल देंगे। डालकर जो ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे। बहुत मज़ेदार हमारे सेवियाँ बनके तैयार हो गए थे फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।